दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को लाइक दिल से एक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को धूल चटाने के लिए आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए हैं अपने कदम। जीत लिया है टॉस, शुरू हो चुका है सांस रोक देने वाला एक कांटे का महामुकाबला। तो आखिर कौन पहुंच गया है शतक के सबसे करीब? रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से बना दिए हैं कितने रन? क्या चल रहा है भारत का स्कोर? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत हासिल करेगी या फिर श्रीलंका? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका इतिहास की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमें हैं और दोनों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास भी काफ़ी रोमांचक रहा है। एक तरफ भारत श्रीलंका को कभी भी जीतने नहीं दे सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ से श्रीलंका चाहती है कि चाहे वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो, भारत को हमेशा अपने से नीचे रखा जाए। और ऐसा उन्होंने किया भी था। भले ही भारतीय क्रिकेट टीम T20 सीरीज जीत गई हो, लेकिन जैसे ही वनडे क्रिकेट की बारी आई, श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने भारत को 2-0 से वनडे सीरीज में धूल चटा दी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा है कि टेस्ट सीरीज में भी वो भारत को आसानी से धूल चटा देंगे। लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के पास मौका है श्रीलंका की ये गलतफहमी दूर कर टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने और श्रीलंका से अपना बदला लेने का। भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले और दूसरे टेस्ट मैच में बड़े ही आसानी से हरा दिया था। वहीं हम आपको बता दें कि श्रीलंका और भारत के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला आप सभी को लाइव प्रेमदासा के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ आप सभी। इस मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख रहे हो, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप इन दोनों टीमों के बेहतर और बीच शानदार इतिहास की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका 46 टेस्ट मैचों में एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, जिसमें 22 बार भारत ने जीत हासिल की है और केवल 7 मैच में श्रीलंका को जीत हासिल हुई है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा बहुत भारी है। श्रीलंका तो हमारे आसपास भी नजर नहीं आती और ऐसे में रोहित शर्मा नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका को ये टेस्ट मैच जीतने भी दें। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में है, जो इस बार वनडे के साथ साथ टेस्ट मैचों में भी भारत को हराकर इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। यानी कि दोनों टीमों के बीच ये तीसरा और अंतिम मुकाबला तो कांटे का होने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। वहीं अगर दोस्तों अब मैच के बारे में हम बात करते हैं, तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए आएंगे। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यदि उन्होंने 200-300 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना ली तब तो पहले ही दिन ये टेस्ट मैच हमारा हो जाएगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की क्रिकेट टीम में किसी से कम नहीं है। उनकी प्लेइंग 11 में भी एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। जहां ओपनिंग क्रम में दिमुत कुरुणरत्ने के साथ साथ निशांत मधुशंका हमें नजर आएंगे, तो मध्य क्रम में दिनेश चंडीमल, खुद कप्तान धनंजय डी सिल्वा, कुशल मेंडिस, एंजिलो मैथ्यूस जैसे खतरनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में कमेंडो मेंडिस, तो वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में लाहिरू कुमारा और असिता फर्नांडो जैसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना भारतीय टीम के लिए भी वो भी मुश्किल हो सकता है। जब श्रीलंका के मैदान की अगर हम बात करते हैं, तो यानी कि भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। तो वहीं दोस्तों, अब अगर हम अपनी प्यारी टीम इंडिया की बात करें, तो जहां ओपनिंग क्रम में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्ला से जलवा दिखाते नजर आएंगे, तो नंबर 3 के पायदान पर विराट कोहली के कंधों पर शतक लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, तो 5वें नंबर पर श्रेयस अय्यर को अपनी काबिलियत दिखाने का एक और मौका मिल गया है। 6वें नंबर के पायदान की अगर जिक्र करते हैं, तो KL राहुल टेस्ट क्रिकेट में अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में भारत के पास 3 खतरनाक महान खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन जैसे खूंखार खिलाड़ी रोहित के सबसे बड़े हथियार हैं। तो वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह अकेले ही श्रीलंका के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों
टीमों की प्लेइंग 11 परिस्थितियां सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट को क्या लगता है कि तीसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी दोहरा शतक ठोक कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज तिहार शतक, वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, ये तूफानी बैटिंग पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है? अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है, T20 भारत के नाम रहा, तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबर करने की बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है जिम्मेदारी, जिसकी तैयारी खत्म हो चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहला टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसके पहले टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए छक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनकी गेंदबाजी एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया के नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरो कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोर कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्लासिकर्स के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमेंडू मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल लंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर में खेल कर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद अब मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना, जायसवाल जी ने आज अनसी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही श्रीलंका की गेंदबाजों की थज्जियां उड़ाए जा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी हसरंगा की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर श्रीलंका की गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा चुका था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे लंका के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि लंका को किसी लायक नहीं छोड़ा। रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक चढ़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब पहले दिन का खेल खत्म होने में लगभग 30 ओवर का खेल बचा हुआ था। दोनों बल्लेबाज घटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 भी पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह
आगे बढ़ रहा था, वहीं जायसवाल भी बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। हसरंगा से लेकर पाथिराना यहां तक के चरित श्रीलंका हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतने ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने 13 शतक के बेहद करीब आ चुके थे, वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते जायसवाल का पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। पाथिराना की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित